हेलो एवरीवन नमस्कार वेलकम टू प्लट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी माय सी एस सी नेम इज सुनील सिंह अभिव्यक्ति एंड आई एम आई टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट सिक्स टू ट्वेल्व एन सीरीज में आज हम लोग करेंगे सॉरी वन मिनट हाँ आज हम स्टार्ट करेंगे एन क्लास सिक्स पॉलिटी चैप्टर सिक्स सेवन एट्थ नाइन्थ में आज हम स्टार्ट करेंगे फोर चैप्टर इन वन क्लास एंड द चैप्टर इज रूरल एडमिनिस्ट्रेशन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन रूरल लाइवलीहुड एंड अर्बन लाइवलीहुड यानी ये सेमी मैराथन टाइप की आपकी क्लास होगी जिसमें हम चार चैप्टर कंप्लीट करेंगे सिक्स क्लास के एन में तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी प्रकार का टाइम गंवाए मेरे बारे में एक इंटर हो चुका है आप लोग जानते हैं आगे चलते हैं यहाँ से काफी टॉपिक हैं अगर आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म जुड़ना चाहते हैं तो अनकेडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ आप जुड़ सकते हैं और अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो आपको बहुत कुछ मिलता है जैसे डेली लाइव क्लासेस हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, है लाइव टेस्ट एंड क्विजेज़ हैं अनलिमिटेड एक्सेस है इसके साथ आप को जो है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ आपको प्रिपेयर करने का अपनी जो प्रिपरेशन है वो करने का आपको यहाँ पे चांस है बहुत ढेर सारे एजुकेटर मेनी मोर मेनी मोर और आपका जो मल्टीपल कोर्सेज हैं यूपीएससी पी सी एस सी कैटेगरी में आप देखें एक ही कोर्स जैसे हिस्ट्री हुआ पॉलिटी हुआ इकोनॉमी हुआ कितने एजुकेटेड यानी देख स थर्टी कोर्सेज थर्टी टू कोर्सेज और तो इतने कोर्सेज चल रहे हैं आप यानी कभी भी स्विच कर सकते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहां पर कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो आपके पास ऑप्शन होता है आप उसे चेंज कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है और आप लोगों को इसके साथ कनेक्ट होना चाहिए अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म पे मैं यानी कि 500 मार्क्स ये मेरे मेरा कोर्स रहेगा 500 मार्क्स कॉम्पैक्ट बैच ए एंड एथिक्स यानी जीएस पेपर फोर एथिक्स इंटीग्रिटी एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड तो ये आप मेरे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं 500 हंड्रेड मार्क्स का ये पूरा कोर्स 500 हंड्रेड मार्क्स का तो आप मेरे साथ अटैच हो सकते हैं और इसके लिए आपको एस एन टेन यानी एस एन टेन कोड आपको यूज करना पड़ेगा एस एन यानी मैथ टेन यानी कि टेन परसेंट आपको डिस्काउंट एस एन टेन कोड के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं यानी वन ईयर का आपको टेन परसेंट डिस्काउंट के साथ आपकी फ़ी होगी थर्टी सिक्स थाउजेंड और अगर आप टू ईयर्स के लिए आते हैं एस एन टेन कोड के साथ तो आपको फोर्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड में ये पूरा कोर्स मिलेगा तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ आते हैं मेरे कोड से तो आप और भी टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं आज लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ अनाउंसमेंट है कोर्सेस के बारे में कि एनसीईआरटी में डेली वन क्लास लेने से मैंने ये सोचा कि अच्छा है कि मैराथन सीरीज ही स्टार्ट कर दी जाए तो आज अपनी सिक्स क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट होगी सिक्स क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद अब एनसीईआरटी का पूरा एक मैराथन सेशन का पूरा का पूरा सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं मैं यानी मैराथन सेशन की पूरी सीरीज स्टार्ट हो रही है याद रखिएगा <coughs> यानी ये देखें क्लास सेवन एनसीआर पॉलिटी ये थर्टीएथ अप्रैल एट फाइव थर्टी पी ये आपका याद रखें ये आपको यहां पर मिलने वाला है यानी कवर कंप्लीट एनसीआरटी कवर कंप्लीट एनसीआर पॉलिटी इन वन लेक्चर तो अब जैसे आ, क्लास सेवेंथ की एनसीआर उसके बाद हम थ्री डेज का गैप लेकर के फिर क्या करेंगे एट्थ की फिर नाइन्थ फिर टेंथ फिर अलेवेंथ फिर ट्वेल्थ यानी सारी एनसीआर को हम एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे तो एनसीआर टी मैराथन की पूरी सीरीज स्टार्ट हो गई है तो ये आपके लिए न्यूज है तो आप वेट करेंगे थर्टीथ अप्रैल को और ये पूरा का पूरा आपका सिस्टम चलेगा अब इसके बाद क्या है इसके अलावा आप फॉलो स्पेशल क्लासेस मेरी जो स्पेशल क्लासेस है वो आप फॉलो कर सकते हैं कंप्लीट स्पेशल क्लासेस आपको पता होगा अनएकेडमी का जो हमारा सब्सक्रिप्शन प्लेटफार्म है वहां पर स्पेशल क्लासेस यानी अन एकेडमी के लर्निंग ऐप पे जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वहां पर हमारे अन एकेडमी का जो पेड प्लेटफॉर्म है वहां पे आपको क्या मिलेगा ये कंप्लीटली फ्री क्लासेस होती हैं इसमें कोई पैसा आपसे नहीं चार्ज किया जाता केवल आपको एनरोल करना पड़ता है हमारी स्पेशल क्लासेस में अनअकेडमी लर्निंग ऐप पे तो आप स्पेशल क्लासेस में फॉलो कर सकते हैं कंप्लीट यूपीएससी स्ट्रेटजी प्रीलिम्स एंड मेंस यानी कंप्लीट यूपीएससी स्ट्रेटजी हम लोग टेन क्लास याद रखिएगा यूपीएससी सिलेबस की बाल की खाल इन टेन लेक्चर यूपीएससी सिलेबस की बाल की खाल इन टेन लेक्चर आप लोग जरूर जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं मुझे पता अभी यहां पर थोड़ा सा एक बार आप वहां पर आएंगे मेरे साथ बड़ा मजा आएगा सिलेबस एनालिसिस बहुत अच्छे से हम लोग करेंगे ठीक है और चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड और ये पूरा का पूरा मेरा मोटो होगा कि हम लोग स्मार्ट वर्क करें हार्ड वर्क ना करें तो ये हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट यूपीएससी टेन टेन लेक्चर में पूरा यानी कि हम प्रीलिम्स मेन्स दोनों यानि प्रीलिम्स के चार पेपर फिर इसके बाद आपका जो है ये कल भी ऐसी थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो रहा है चूंकि सारी मतलब लॉकडाउन है मेरे सिस्टम में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कल भी मैं ट्वेंटी मिनट तक लगा रहा बट क्लास हो नहीं पाई थी तो मैंने आप लोगों को मैसेज किया था अपलो की थी कि मेरी क्लास आज नहीं हो पा रही तो ये कल भी होता आप लोग वेट करते रहेंगे आज तो मैं लेके रहूंगा ये अच्छा कोई बात नहीं ठीक है तो ये आपका यानी यहां से हम लोग लेंगे तो मंडे और उसकी टाइमिंग है मॉर्निंग में मॉर्निंग में टाइमिंग है टेन ए एम हम टेन ए एम पे मिलेंगे मंडे ये ये टाइम मिस मत करिएगा मंडे टेन ए एम कंप्लीट यूपीएससी प्लस स्पेशल क्लास जो फ्री क्लास होती है तो हाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और चलिए स्टार्ट करें एनसीईआरटी एनसीईआरटी क्लास सिक्स पॉलिटी चैप्टर नंबर सिक्स सेवन एथ नाइन्थ यानी फोर चैप्टर्स आज आपकी ये एनसीईआरटी कंप्लीट होगी फोर चैप्टर्स इन वन क्लास यानी रूरल एड्मिस्टेशन, एड्मिस्टेशन, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन अर्बन अर्बन एंड देखिए होता क्या है कि जैसे रूरल लागलिवूद, अर्बन लाइवलीहुड रूरल एडमिनिस्ट्रेशन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन तो क्लास की एनसीआरटी जब आप पढ़ते हैं सिक्स क्लास की एनसीआर तो हमें ये लगता है कि यार इसमें तो कुछ है ही नहीं हमारे लिए लेकिन इसमें बहुत कुछ होता है क्या होता है कभी कभी ना होता है जैसे कि एक फ्रेज होता है कि जहां पर जैसे एक हाथी को एक चींटी भी मार देता है ठीक है अगर वो सही जगह पे चला जाए तो तो कहने का मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट इसकी ये होती है कि जैसे हम मान लीजिए पॉलिटी के लिए इस चैप्टर चे, को कंप्लीट कर रहे हैं लेकिन अगर गवर्नेंस पे लिखना हो अगर आपको गवर्नेंस पे लिखना हो कोई भी चीज यानी गवर्नेंस आपको अच्छे से पता सिक्सटी नाइन परसेंट पॉपुलेशन ये विलेज में है और जो 31 वन परसेंट पॉपुलेशन कहां है ये अर्बन एरियाज में तो अगर हमें 69 परसेंट और 31 परसेंट के लिए अगर हमें गवर्नेंस पर कोई प्लान बनाना है जरा कंसीडर कीजिएगा अगर हमें 69 परसेंट के लिए कोई प्लान बनाना है या 31 परसेंट के लिए कोई प्लान बनाना है हम पढ़ते हैं ना गुड गवर्नेंस तो गुड गवर्नेंस पर अगर हम लिख रहे हैं तो अगर हम क्या करें सिस्टम को हम थोड़ा सा डिवाइड करके लिखें कि हमें अगर मतलब इंटीग्रेटेड आंसर राइटिंग ना हो यानी वहाँ हम क्या करें डिवाइड करें उसके बाद हम अर्बन को और उसके बाद हम जो है रूरल एरिया को वहां के स्ट्रक्चर के हिसाब से यानी वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर कैसा है उस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हम उसको क्या करें उसको एनालाइज करें तो आई थिंक उस प्रकार के आंसर के लिए या उस प्रकार के कॉन्सेप्ट के लिए आपको रूरल एडमिनिस्ट्रेशन अर्बन दोनों आपको समझना होगा यानी अगर आप गुड गवर्नेंस पे करना चाहते हैं या मान लीजिए अभी आपसे कोई कहे ये एडमिनिस्ट्रेशन का इश्यू है कि रेवेन्यू सरकार लैंड रेवेन्यू के लिए यानी कि लैंड सिस्टम के लिए या रेवेन्यू के लिए गवर्नमेंट कोई आपको एक पॉलिसी मतलब अपनी तरफ से यानी कोविड 19 के एरा में गवर्नमेंट क्या करे कोई पॉलिसी इश्यू करे वो पॉलिसी अब आपको पता उसको इंप्लीमेंट कराना है कहां पे जो है रूरल एरियाज में यानी 69 परसेंट में कोई रेवेन्यू पॉलिसी है उस रेवेन्यू पॉलिसी को इंप्लीमेंट कराना है अब अगर रेवेन्यू पॉलिसी में इंप्लीमेंट कराना या कोई क्रॉप क्रॉप की स्कीम है उसको भी इंप्लीमेंट कराना है तो अब आप मुझे बताएं जब तक आपको पता नहीं होगा कि जो लैंड सिस्टम है या जो रेवेन्यू सिस्टम है वो एरिया में उसके लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है यानी कौन कौन रिस्पॉन्सिबल अगर ये नहीं पता है तो आप के, के मतलब कैसे ये बता पाएंगे अपने आंसर में या कभी भी कभी डिस्कशन हो तो भी कि रेवेन्यू सिस्टम के लिए लैंड सिस्टम के लिए जो भी रिफॉर्म है उसके लिए ये ये अथॉरिटीज लायबल हैं रूरल एरिया में ये ये लायबल हैं किसमें अर्बन एरिया में तो हमें इनके थ्रू जाना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल अभी मैं रूरल एडमिनिस्ट्रेशन चूंकि चैप्टर्स बहुत छोटे हैं बहुत जल्दी क्लास खत्म होगी बट हमें पहले ये जानना है और जैसे 2019 तो सॉरी 2018 एंड का एक इकोनॉमिक सर्वे आप एक बार उठाएं इस इकोनॉमिक सर्वे में एक डाटा था वो था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में इंश्योरेंस स्कीम पीएम जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम थी तो उस uh, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में था कि योजना के जो मोटिव्स थे उसका जो टारगेट था वो जो स्ट्रक्चर की गई थी वो बहुत प्लांट थी बट इसका जो जो किसानों तक पहुंचने का परसेंट था वो बहुत वीक रहा ओनली ट्वेंटी थ्री परसेंट फार्मर्स तक ये पहुंच पाए अब आप मुझे बताएं आखिर ऐसा कैसे हुआ अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछे पॉलिसी पैरालाइज पर जरा ध्यान रखिएगा जैसे एसे में एसे में हमेशा पूछ लेता पॉलिसी पैरालाइज पर एक बार आया हुआ क्वेश्चन ऐसे कि पॉलिसी पैरालाइज एंड पॉलिसी डायनामिक्स पॉलिसी पैरालाइज एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में डायनेमिक्स ना होने के कारण इंडिया की जो ग्रोथ है वो क्या हो गई डाउन ग्रेड हो गई तो ये क्वेश्चन पूछा तो पॉलिसी पे लिख रहे हैं तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि यस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो थी वो वो भी इंप्लीमेंटेशन में कमी के कारण क्या हुआ कि सब कुछ अच्छा होने के बाद भी इंप्लीमेंटेशन में कमी थी इसके कारण से वो रूट लेवल तक नहीं पहुंच पाए रीजन रीजन अब आप जब रीजन क्या देंगे तो रीजन यही देंगे अब इसको यानी कि क्यों नहीं पहुंच पाई तो कहीं ना कहीं जो इसके साथ यानी ये जो मतलब रूरल एडमिनिस्ट्रेशन था ये इसका स्ट्रक्चर यानी इन सब को इसके लिए लायबल बनाना था लेकिन आप बना नहीं पाए इनमें सबकी जिम्मेदारी तो आपको पता होना चाहिए किसकी क्या क्या जिम्मेवारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की क्या तहसीलदार की क्या पटवारी की क्या फिर ये सब जो है जो लोकल जो पंचायती राज हमने पढ़ा तो वो ग्राम पंचायत से कैसे अटैच है ये जब क्वेश्चन मतलब इस टाइप से आप चीजों को समझेंगे तो ये आपके लिए फ्रूटफुल लगेगा अदरवाइज हमें ये लगेगा कि क्लास के एनसीईआरटी क्या मतलब है या जब भी आप पंचायती राज सिस्टम का इवेल्यूएशन करते हैं जैसे लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था कि पंचायती राज सिस्टम गवर्नेंस का इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट नहीं रह गई है यानी इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस ये हमने देखा था इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस में आपको जानना पड़ता है कि ये रूरल एडमिनिस्ट्रेशन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन रूरल लाइवलीहुड अर्बन यानी यानी ये ये चीजें समझनी पड़ती जब आप किसी भी चीज को इवेल्युएट करते हैं तो हमको ग्रासरूट लेवल तक का पूरा स्ट्रक्चर समझना पड़ता है इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर और जो सेवंथ क्लास के एनसीआर टी अब ऐसे ही हम लोग मैराथन सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं याद रखें जीएस पेपर टू यूनिट टू से ये कनेक्ट है ध्यान करेंगे आप और ये आपका सिलेबस देखिए डेवल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंस अप टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयर इन यानी ये आपका इस पार्ट से कनेक्ट हो रहा है ये सिलेबस के तो कोई भी चीज पढ़ेंगे उसका यूटिलाइजेशन करते हुए चलेंगे जिससे हम मैक्सिमम आउटकम निकाल सकें रूरल एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं क्लास सिक्स पॉलिटी चैप्टर नंबर सिक्स चैप्टर एट अ ग्लांस क्या क्या देखना है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट पटवारी ड्यूटीज तहसीलदार ड्यूटीज हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट अब इस चैप्टर में कुछ नहीं यानी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप देखेंगे तो आपके सामने आ गया कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तो इसीलिए क्योंकि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको रिजॉल्व किया जा सके और फिर इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में याद रखें कौन कौन लोग जिम्मेदार होते हैं जैसे मान ली लैंड पर कोई डिस्प्यूट हो गया तो कौन है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसके बाद फिर तहसीलदार फिर पटवारीस तो ये चीजें आपको देखनी है फर्स्टली हमें देख के लगता है ये हमारे लिए कहां मैटर करता है लेकिन जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया अगर उसको आप ध्यान में रखे रहेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे जैसे एक क्वेश्चन आया था कि स्मार्ट विलेज मैंने कल परसों भी जिक्र किया था शायद आपके साथ कि स्मार्ट विलेज जब तक नहीं होंगे तब तक स्मार्ट सिटी सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो स्मार्ट विलेज बनाने के लिए या स्मार्ट सिटी बनाने के लिए स्मार्ट विलेज तो स्मार्ट विलेज बनाना है तो आपको पूरा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर यार पूरा का पूरा आपको आना चाहिए क्लियर है तो ये चीज हमें यहां पे सिखाएगा फिर इसके बाद क्या हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट टू जीरो टू जीरो जीरो फाइव ये क्या है प्रीलिम्स के लिए इसमें से कुछ हमें मिल जाएगा इसमें जो भी इस एक्ट में प्रोविजन जो भी किए गए हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देखिए क्या है जितने भी स्टेट है इंडिया में state, इंडिया के सभी स्टेट में क्या है डिवाइड होते हैं इनटू डिस्ट्रिक्ट इंडिया के सभी स्टेट किस में डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है याद रखें क्यों फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड यानी लैंड से रिलेटिंग किसी भी मैटर को क्या करने के लिए मैनेज करने के लिए दीज डिस्ट्रिक्ट आर फर्दर सब डिवाइडेड बाद में ये जो डिस्ट्रिक्ट होती हैं ये क्या होती हैं सब डिवाइडेड यानी इनके भी कई पार्ट्स होते हैं दीज सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट आर नोन बाय डिफरेंट नेम सच एस तहसील तालुका ए आपको पता होगा ये यानी आप लोगों ने भी तो सब डिविजन तहसील एंड तालुका ये जो तहसील है जो तालुका है और यहां पे जो जो मतलब ऑफिसर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रूरल गवर्नेंस के लिए तो तहसील एंड तालुका द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो डीएम होता है जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अंडर हिम रेवेन्यू ऑफिसर्स याद रखिएगा तो रेवेन्यू ऑफिसर्स इसके अंदर इसके पास कौन कौन होते हैं ढेर सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के अंदर के अंतर्गत होते हैं आल्सो आर नोन एज उन्हें जाना जाता है तहसीलदार के नाम से यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंतर्गत है, याद रखिए कई रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं उनमें तहसीलदार दे हियर द डिस्प्यूट एंड सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारीज इनके नीचे एक और होता है पटवारी याद रखेंगे तो ये क्या करते हैं कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको सुनते हैं एंड सुपरवाइज करते हैं किसके वर्क का पटवारी का यानी डीएम एंड पटवारी रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में ये तीन लोगों का यहां पे क्या मिला यहां पर जिक्र हम लोगों को मिला तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए अब देखिए क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एग्जाम्पल एज एन एक्सरसाइज इन यानी लोकल गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन एस एन एक्सरसाइज इन मतलब उसके एक्सरसाइज को देखते हुए आप उसे क्या कहेंगे फेडरलिज्मेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन डायरेक्ट डेमोक्रेसी चलिए आप लोग आंसर करें एक बार देखिए यूपीएससी कितने इजी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी ऐसा लगता है कि हम प्रिलिम्स में इसलिए थोड़ी सी दिक्कत करते हैं चूंकि हम बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं तो अभी सिंपल है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन

कि अगर मोहन अ फार्मर नोटिस डेट रघु हैड द बंड बाय अ फ्यू फीट बट रघु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एंड इनस्टेड ही बीट्स मोहन यानी कि किसी विवाद को लेकर के क्या हुआ अगर दो व्यक्तियों में फाइट होती है एक मोहन है एक रघु है तो ऐसे में क्या होगा इसमें ग्राम सभा की का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कभी कभी यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेती प्रैक्टिकल Prelims में प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि यही स्टोरी बना देंगे फिर होगा इसको कौन करता है तो ग्राम सभा द पंचायती राज थ्रू द ग्राम सभा कैन सॉल्व लैंड डिस्प्यूट यहां जो इनके इनके बीच हो रहा है याद रखिएगा प्रॉब्लम इनस्टेड ऑफ टेकिंग द इश्यू टू द पुलिस स्टेशन यानी पुलिस स्टेशन में जाने से पहले ग्राम सभा अगर कोई भी यानी लैंड डिस्प्यूट हो रहा है तो उसे सॉल्व कर सकती है ठीक है कुछ टेक्निकल इशू है ये कोई बात नहीं तो यानी कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है बिले में तो पुलिस स्टेशन में जाने की बजाय यानी कि प्राइमरी लेवल पर ग्राम सभा उसे शार्ट आउट कर देती ये है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन रूरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट में ग्राम सभा की का जो रोल है बड़ा मैटर करता अब जरा देखिएगा एक चीज गवर्नमेंट यानी इस समय कोविड नाइनटीन यानी जब स्टार्ट हुआ था तो अगर हमने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल यानी कि विशेषकर पंचायती राज का इस्तेमाल अगर जबरदस्त रूप से किया होता स्टार्टिंग से जैसे केरला कर रहा है एक दिन हिंदू में एक आर्टिकल भी आया था तो केरला कर रहा है मैंने केरला का एग्जाम्पल दिया था कि केरला एक, एक मॉडल के द्वारा यानी केरला क्या कर रहा है केरला में जो जो ये ग्राम सभा है जो पंचायत है वो बहुत अच्छा वर्क कर रही है हर जगह कर रही बट केरला ने एक डिफरेंट मोड ऑफ मॉडल डेवलप किया तो इसका मतलब है कि अगर आप यानी यूपीएससी का एस्पिरेंट अगर उसे पता है कि स्ट्रक्चर क्या है गांव में अगर कोई झगड़ा होता है तो उसको कौन सॉल्व करता है कोई रेवेन्यू सिस्टम में कुछ दिक्कत आती है तो कौन उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है तो अगर आपको पता होता तो एक्शन जो आपका आंसर होता है ना वो थोड़ा सा बहुत अच्छे से निकलता है फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन पूछे आपसे अब दो बार यूपीएससी में टू टाइम्स यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि प्रोवाइड इन अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया पूरा पूरा का कांसेप्ट कैसे चीजों को चेंज कर सकता है पूरा तो पूरा का मतलब क्या होता है प्रोवाइड अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया तो आपको पता होना चाहिए ना कि अर्बन एमिनिटीज में क्या है यानी अर्बन लाइवलीहुड कैसे चलता है वो चीजें हमें मतलब रूरल स्तर पर लगानी है तो बहुत कुछ है यानी धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें एनसीआरटी मस्ट होती है बट अगर आप अच्छे से उसको किए रहे तो अकवे लिंदा बिले तो यहाँ पर यानी रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में ग्राम सभा का एक मेजर रोल होता है इसे डेवलप करने की आवश्यकता है पंचायतें सोई हुई रहती हैं अच्छा वर्क नहीं करती हैं उन्हें डेवलप करने की आवश्यकता है क्योंकि गांव में क्या होता है एक माहौल होता है कि हमें किसी के मामले में नहीं पड़ना है खानदानी दुश्मनी हो जाती है ये सारी चीजें हैं बट ये डेवलप करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि जो फैमिली कोड की अवधारणा है वो गांव में इनफॉर्मली स्टार्ट हो जाए इनफॉर्मल फॉर्मल क्या आ, फैमिली कोड बट इनफॉर्मल यानी कि ग्राम सभा चीजों को क्या करे लॉजिकली और इसके लिए गवर्नमेंट कुछ सिस्टम भी डेवलप कर सकती है हम लोग आगे की क्लासेस में चर्चा करेंगे अब इसके बाद क्यों मोहन went टू द पुलिस स्टेशन अब मोहन कहा गया पुलिस स्टेशन आया द एस एच ओ रिफ्यूज टू रजिस्टर लेटर to टू सेंड constable टू इन्वेस्टिगेट द केस यानी यह व्यक्ति आता है मोहन पुलिस स्टेशन वहां से रिफ्यूज हो जाता है बट इसकी एफ आई आर हम नहीं करेंगे लेकिन एक कांस्टेबल भेजा जाता है हु इज इन चार्ज ऑफ ऑल द पुलिस स्टेशन इन अ डिस्ट्रिक्ट फाइंड आउट तो ये जानने के लिए तो आपको पता ही है केएसपी होता है आईपीएस पटवारी ड्यूटी क्या है कंडक्टिंग लैंड सर्वे लैंड सर्वे करता है फील्ड सुपरविजन करता है रिपोर्टिंग क्राइम टू द पुलिस, यानी कि पुलिस को कोई भी क्राइम होता है उसको रिपोर्ट करता है आल्सो इंपॉर्टेंट रोल इन इन्वेस्टिगेशन यानी इन्वेस्टिगेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अब देखिए पटवारी की ड्यूटी पटवारी की ड्यूटी हमें लगेगा यार ये हम क्यों पढ़ रहे पटवारी की ड्यूटी का जरा ये पहला वाला पॉइंट आप यहां से निकालिए कंडक्टिंग लैंड सर्वेस यूपीएससी में क्वेश्चन आया था यूपीएससी में जरा याद रखिएगा कि भारत में जो लैंड है वो क्या है उनके जो वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में है भारत में जो लैंड है इकोनॉमिक्स में आया था कि छोटे छोटे मतलब सेक्शन में वो डिवाइड है छोटा छोटा और क्या इसके कारण है यानी जो लैंड का डिवीजन है छोटे छोटे पार्ट्स में क्या इसी के कारण जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है वो नेगेटिव रूप से जो है मतलब वो नेगेटिव रूप से प्रभावित हुई है यानी कि भूमि के छोटे छोटे टुकड़े जो हो गए हैं उसके कारण से क्या कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा उसकी प्रोडक्शन पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है प्रोडक्शन पर तो अगर आप वो क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आप तो बताएंगे यस एक रीजन है क्योंकि इंडिया में आप देखेंगे तो 70 परसेंट फार्मर मार्जिनल है वन हेक्टेयर से उनके पास लेस लैंड है और वन हेक्टेयर से लेस में होता है ना जैसे एक प्रेम चोपड़ा का डायलॉग अगर आप लोगों ने जो विलन थे काफी मतलब अब, अब अ, 70s, 80s एटीज नाइनटीज के जो तो वो कहते थे कि नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या तो यानी ऑब्वियस है नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या तो है एक हेक्टेयर से कम भूमि है प्रोडक्शन कैसे होगा उसमें भी जैसे जब फैमिलियां बंटवारा हुआ फैमिलियों में तो क्या हुआ वो लैंड और भी छोटे होते चले गए तो 70 परसेंट लैंड वन हेक्टेयर से कम है 86 सिक्स परसेंट टू हेक्टेयर से कम है और वहां पर भी जो जनरेशन वाइज क्या हो रहा है डिस्ट्रिक्ट मतलब जो बंटवारा हो रहा है तो लैंड छोटा हो रहा और है और ऑबियस उसके कारण से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है ये आपको पता है अब अगर आप ये लिखते हैं डाटास के साथ वो इकोनॉमिक्स क्लास में आपके साथ बातचीत होगी तो अगर वहां पर रिफॉर्म हमें लाना यानी कि हम कैसे ठीक कर सकते हैं तो अगर आप कुछ सजेशन देंगे तो आप क्या ये नहीं लिख सकते हैं कि जो पटवारीज होते हैं जो तहसीलदार हैं इनकी इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण यानी इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है वहां पे किसका किसका पटवारीज का तहसीलदार का तो एक पॉइंट क्यों कंडक्टिंग लैंड सर्वे यानी लैंड सर्वे को कंडक्ट कराने का काम किसका पटवारी चाहिए और कंट्री में एक पटवारियों का डाटा प्रोड्यूस होना चाहिए जिससे हमें पता लगे कि क्या ऐसा जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा वो रेलिवेंट है अकॉर्डिंग टू मी इंडियन गवर्नमेंट को यूपीएससी का जो पेपर होता है उसको एज ए रिसर्च पेपर की तरह लेना चाहिए बिकॉज यूपीएससी के क्वेश्चन एक्चुअल में किसी भी देश के लिए किसी भी कंट्री के लिए एक रिसर्च पेपर की तरह होते हैं आप जितने भी क्वेश्चन उठाओ ग्लोबलाइजेशन का इनफॉर्मल इकोनॉमी पर इंपैक्ट तो अगर हमें पहले से पता लग जाओ ये क्वेश्चन टू जीरो वन सिक्स में आया है और उसी टाइम हम थोड़ा चिंता करें हाँ यार तो अपने इनफॉर्मल सेक्टर के जो भी हमारे वर्कर्स हैं उनके लिए हम प्लान कर सकेंगे यानी पहले घटना होने के बाद की बजाय घटना होने के पहले तो यूपीएससी देखो सारे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछता है तो हमें उसके लिए थोड़ा तैयार रहना है क्योंकि यूपीएससी तो जो हम पढ़ के जाएंगे वो पूछेगा नहीं ये हो गया आपका फिर इसके बाद तहसीलदार की ड्यूटी क्या है ये क्या है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है इन चार्ज ऑफ ऑप्टेनिंग टैक्सेशन फ्रॉम अ तहसील इंसिंग प्रॉपर कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू ये करता है प्रोवाइड कास्ट सर्टिफिकेट टू द स्टूडेंट यह भी पता होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट टू द स्टूडेंट क्लियर है हम लोगों के पास कभी कभी कॉल आती है कि सर यूपीएससी का फॉर्म भरना caste certificate कहां से आता है अभी आया था इसी इसी टाइम पे मतलब जब फॉर्म फिल हो रहा था सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारी तो देखें तहसीलदार की ड्यूटी तो छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान रखना चाहिए कब कहां कौन सी चीज काम आगे बट अगर आप इंडिया में जैसे कॉन्सेप्ट आपने काफी पहले ये आप माने हमारे टाइम पे टू जीरो वन टेन के आसपास जब प्रिपरेशन का दौर था तो एक कॉन्सेप्ट खूब डेवलप हुआ था इंडिया वर्सेस भारत यानी भारत चाहे आप इसे ऐसे करें भारत तो इंडिया वर्सेस भारत ये ये कॉन्सेप्ट आया था यानी इंडिया मतलब जो थोड़ा रिच वाला पार्ट है जो अर्बन पार्ट है भारत का मतलब जो रूरल एरिया है तो अब भारत तो ये एक एक इंडिया डिवाइड का कॉन्सेप्ट था कि एक गरीब भारत एक अमीर भारत ठीक है ना इंडिया अमीर भारत गरीब तो अगर हमें भारत के बारे में लिखना है तो हमें ये सारी चीजें कम से कम पता होनी चाहिए तो हम शायद बहुत बेटर चीजें कर पाए हिंदू सक्सेजन अमेंडमेंट एक्ट टू जीरो जीरो फाइव क्या दिस एक्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन इन द हिंदू सक्सेशन एक्ट वन नाइन फाइव सिक्स यानी ये अमेंडमेंट एक्ट आया है किस लिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था किसमें लैंड सिस्टम में उसको दूर करने के लिए अब देखिए अब यूपीएससी एक बार पहले देख लेते हैं गिफ्ट राइट टू डॉटर अंडर सेक्शन सिक्स यानी इसका सेक्शन सिक्स है अब आपको ये एकदम रट्टाफिकेशन होना चाहिए आपको ये रट्टाफिकेशन ये पूरा का पूरा आपको याद होना चाहिए क्यों क्योंकि खूब यूज होगा अभी इसका गिविंग राइट टू डॉटर अंडर सेक्शन सिक्स इसके सेक्शन सिक्स में अमेंडमेंट करके डॉटर्स को राइट दिया गया क्या द्वार हेयर बाई बा कैनर बाई राइट इन द सेम मैनर एज द सन यानी कि क्या हुआ जो राइट है किसमें यानी कि जो प्रॉपर्टी का राइट है इक्वल यानी कि जो मेल है जो फीमेल है डॉटर या जो आपका बॉय है इन दोनों को इक्वल राइट लैंड में दे दिया गया प्रॉपर्टी में इक्वल राइट right दिया गया यानी ये क्या है अब आप देखें इन द न्यू सन्स डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ द लैंड तीनों को इक्वल शेयर दिया गया अब ये क्या है बहुत बड़ा इशू अब आप देखें सोसाइटी पढ़ते हैं आप सोसाइटी पेपर वन प्रीलिम्स में तो मैटर करता ही कि किस एक्ट के द्वारा ये किया गया तो ये तो प्रीलिम्स का तो क्वेश्चन हो ही गया किस एक्ट के द्वारा ये किया गया तो एक तो आपको पता होना चाहिए और किस सेक्शन में तो सेक्शन सिक्स बट मेन्स में जैसे सोसाइटी हम पढ़ते हैं तो सोसाइटी में जीएस पेपर वन है आपका ये इसमें आप देखेंगे एक वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ये आपका पूरा सिलेबस है क्या है वुमेन ऑर्गेनाइजेशन क्लियर वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ये यानी वुमेन इश्यूज़ अब वहां पर क्वेश्चन पूछता है एक क्वेश्चन था कि पेट्रियोरकी यानी क्या जो वुमेन की जो कंडीशन है आज उसमें पेट्रियोरकी ने कहीं ना कहीं वुमेन की कंडीशन को नुकसान पहुंचाया है यह क्वेश्चन था पेट्रियोरकी ने किस प्रकार से वुमेन की कंडीशन को नुकसान पहुंचाया तो पेट्रियोरकी ने कैसे नुकसान पहुंचाया है अब आप देख सकते हैं कि अब यानी टू कब अब आप देखें ये 1956 में याद रखेगा जो एक्ट था इस एक्ट में ये देखें सन्स डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ द लैंड ये नहीं था यानी तो आप इस एक्ट में लिखेंगे फॉर एग्जांपल पेट्रियोरिटी का इस एक्ट में भी हम देख सकते हैं फिर उसी क्वेश्चन में हम लिखते हैं कि पेट्रियोरिटी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही तो फिर हम लिखेंगे इस एक्ट में क्या हुआ है आप देखें क्या किया गया चेंज लाया गया और ये सारी चीजें यहां पर आई तो सिंपल सी बात है इस हिसाब से हम आप हम लोग देख सकते हैं टू रिमूव यानी ये देखिए द एक्ट हैज बीन तो यानी ये चेंज किया गया क्यों चेंज किया गया यानी ये गवर्नमेंट का रोल है पेट्रियोरिटी को दूर करने में तो देखें पेट्रियोरिटी पर भी आप लिख सकते हैं जेंडर इनइक्वालिटी पर कुछ भी लिखना चाहें तो आप इसको इनइक्वालिटी एग्जाम्पल क्या है ये वाला एक्ट हिंदू सक्सेशन एक्ट वन नाइन फाइव सिक्स टू जीरो जीरो फाइव में चेंज कर दिया गया तो ये है यानी ऐसे आपको छोटी छोटी चीजों से निकालना पड़ेगा सोसाइटी में क्लियर है ये पॉलिटी में भी पॉलिटी में अगर आ जाता है गवर्न uh, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है यूनिट टेन आप चेक करिएगा यूनिट टेन है गवर्नमेंट की, uh, की जो टेन ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं और उस पॉलिसीज के कारण जो भी इश्यूज रेज होते हैं वो एक यूनिट आप हाँ चेक करेंगे टेंथ नंबर पे अगर काउंट करेंगे तो आता है वो तो उसमें अब अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज तो अगर वुमेन इंपावरमेंट के लिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करने के लिए इरेडिकेट करने के लिए अगर वो कोई भी पॉलिसी लेके आती है कोई स्कीम लेके आती है तो ऑबियस है वो भी वहां जाएगा तो जो है पॉलिटी में इसको आप डाल सकते हैं इसके अलावा आपको इसको कहां भी डाल सकते हैं यानी इंक्लूसिव ग्रोथ में डाल सकते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ में फिर देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ है हाउ डू वोमेन बेनिफिट अंडर द न्यूला देखिए आ गया ना हाउ डू वुमेन बेनिफिट अंडर द न्यूला तो कैसे हुआ तो भाई द न्यूला हैज ब्रॉड क्या ब्रॉड अ गुड चेंज इन द लाइफ ऑफ वुमेन हैज कैसे नाउ दे फील मोर सिक्योर एंड इंडिपेंडेंट वुमेन इंपॉवरमेंट का मेन जो एक होता ना जो मेन पार्ट होता है वो वही वो जब सिक्योर होते हैं एंड इंडिपेंडेंट ये मेन है तो उस एक्ट ने उन्हें सिक्योर किया और इंडिपेंडेंट किया इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी राइट नाउ दे कैन गेट द शेयर इन द यानी कि जो आपका एंड प्रॉपर्टी है यानी पैतृक संपत्ति में नाउ दे कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस अब वो अपने ओन बिजनेस कर सकती हैं आफ्टर गेटिंग द शेयर इन द प्रॉपर्टी नाउ दे आर इम्पावर्ड एंड पीसफुली इन सोसाइटी ये देखिए ये क्या है लॉ ये लॉ है बट अगर यहीं पर मैं कनेक्ट कर दू यूपीएससी का जनरल स्टडीज पेपर फोर यूनिट सिक्स लॉ है और देखिए लॉ में इस लॉ में सारा हमें बेनिफिट ही दिखाई दिया है लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या ये प्रैक्टिकली क्या ये प्रैक्टिकली हो पाया है बहुत कम क्यों क्योंकि जो गर्ल्स हैं वो डरती हैं आफ्टर मैरिज वो डरती हैं कि अगर हमने ये किया तो हमारा जो मेरे ब्रदर्स से या मेरी मतलब जो मेरी फैमिली है मेरे फादर हैं मेरे पेरेंट्स थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ रहा है अभी सब सही है एक बार आप मुझे प्लीज कंफर्म करेंगे आई थिंक ठीक है थीक। तो नाउ दे कैन स्टार्ट देयर ऑन बिजनेस पीसफुली इन सोसाइटी बट अगर यहां पर क्या यहां पर ये यह हमें फील हो रहा है कि भाई बिल्कुल सब अच्छा चल रहा है बट गर्ल्स जो है आफ्टर मैरिज क्या होता है वो प्रॉपर्टी राइट लेने से डरती हैं इसलिए क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उनका उनके पेरेंट्स से उनके ब्रदर से उनकी फैमिली से हमेशा के लिए संबंधी ना खत्म हो जाए दैट्स कॉल सोसाइटी दैट्स कॉल पैट्रियोरिक पेट्रियोरिटी यानी द मेंटेलिटी ऑफ पैट्रियोर अब आप देखे एथिक्स की अगर इसको मैं कनेक्ट करूं जीएस पेपर फोर से एथिक्स uh, से यूनिट सिक्स यही मैं लगा रहा हूं आप लोग कंपेयर करिएगा यूनिट सिक्स यूनिट सिक्स में है लॉ रूल्स रेगुलेशंस लॉ रूल्स रेगुलेशंस एंड कंसाइंस क्या है कंसाइंस लॉ रूल्स रेगुलेशंस एंड कंसाइंस तो आप एक बार देखें कि ला रूल्स एंड ला रूल्स रेगुलेशन एंड कंसाइंस और इस इसमें एक बार आप लोग मुझे प्लीज बता दें आप लोगों का क्योंकि टेक्निकली ये वॉइस वगैरह ठीक है वॉइस वगैरह एकदम ठीक है अभी अभी एक बार प्लीज कमेंट करें ओके okay. तो ये यानी क्या है लॉ रूल्स रेगुलेशन एंड कंसाइंस तो अब आप देखिए यानी इथिक्स में पूछता है लॉ और इथिक्स यानी लॉ क्या है लॉ है आपका क्या है यानी जो वोमेन के लिए बनाया गया उनको प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर मिलेगा बट ये इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा इसका मतलब है इथिक्स यही कहता है कि लॉ रूल्स रेगुलेशन ये भी मैटर करते हैं बट कंसाइंस भी मैटर करता है जब तक आपकी कंसाइंस लॉ को मानेगी नहीं आप लॉ को इंप्लीमेंट होने नहीं देंगे तो कंसाइंस भी महत्वपूर्ण है ये चीज हमें ध्यान में रखना है जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं मैं जब इथिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां समझाऊंगा एनसीआरटी क्लास सिक्स पॉलिटी चैप्टर सेवन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन अब सिक्स हमारा जो है समाप्त हुआ अब हमारे पास क्या आ गया सेवेंथ चैप्टर एट अ ग्लांस द वार्ड काउंसलर एंड इट्स ड्यूटी यानी वहां कौन होता, होता है वार्ड काउंसलर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ पूरा एक होता है म्यूनिस्पॉलिटी यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्युनिसिपल काउंसिल ये भी होते हैं हाउ डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट इट्स मनी ये मैटर करता है बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों तो आपको पता है हाउ डज द म्युनिसिपल ऑन गेट इट इट्स मनी इसमें नहीं है बट अगर जीएस पेपर वन में यानी अगर इसको मैं कनेक्ट करूं जीएस पेपर वन में तो आपका एक यूनिट है सोसाइटी वाले पार्ट में अर्बनाइजेशन यानी अर्बनाइजेशन के सामने कौन कौन सी डिफिकल्टीज हैं और उनसे कैसे हम निकल सकते हैं ऐसी एक यूनिट आप चेक करिएगा तो अर्बनाइजेशन पे अगर आपको लिखना है यानी वहां पर जो आ, मतलब जो चुनौतियां होती हैं अर्बनाइजेशन की यानी जो शहरों की चुनौतियां होती हैं वहां पर तो अब देखें हाउ डज द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट इट्स मनी तो यहां पर हम जो पढ़ेंगे इसके साथ साथ एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं लेके चलूंगा जिसे बोलते हैं म्युनिसिपल बॉन्ड क्या बोलते हैं म्युनिसिपल बॉन्ड यानी ये क्या होता है यानी अगर आप अर्बनाइजेशन को टैकल करना चाहते हैं यानी उसकी जो भी डिफिकल्टीज हैं तो आपको क्या चाहिए आपको रेवेन्यू चाहिए वो रेवेन्यू कैसे आएगा तो आप जब कोई म्युनिसिपोलिटी क्या करती है म्यूनिसिपल बॉन्ड को इश्यू करती जो है जो बॉन्ड होते हैं यानी जो आपने पढ़ा होगा एनबीएफसी वाले सेक्शन में इकोनॉमिक्स में उसी टाइप के बॉन्ड म्युनिसिपल अ मेच्योरिटी पीरियड उनको उस पर बेनिफिट होगा इससे क्या होता, होता है म्यूचुअली फायदा होता है जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें फायदा होता है आफ्टर चूंकि उन्हें तो अपनी सैलरी या अपना जो भी इनकम है कहीं ना कहीं उन्हें इन्वेस्ट मतलब कहीं कही ना कहीं सेविंग में या कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना ही करना है तो उन्होंने इसमें किया तो क्या हुआ उनको लाभ हो गया आफ्टर अ टाइम यानी जब मेच्योरिटी पीरियड और इधर म्युनिसिपल कारपोरेशन के पास एक बड़ी मनी आ गई और उन्होंने क्या किया उसको उसको शहरों के सौंदर्यीकरण में यानी कि शहरों को खूबसूरत बनाने में उन्होंने उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो म्युनिसिपल बॉन्ड्स वगैरह तो आप देखिए चैप्टर एड ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउ डज द म्युनसिपल कॉरपोरेशन गेट इट्स मनी यानी अर्बनाइजेशन पर कुछ भी लिखेंगे तो obvious है यानी जब भी तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई जो बॉडी है जो पूरा सिस्टम करती है उसके पास इकोनॉमी का सोर्स क्या है तो वो सारी चीजें आपको जाननी चाहिए द वार्ड काउंसिलर ये क्या भाई द वार्ड काउंसिलर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल देखिए यानी अब देखिए कितना मैटर करता है यानी हेल्थ सिस्टम में भी देख सकते हैं आप पूरी की पूरी पूरा का पूरा रोल किसका म्युनिसपल कारपोरेशन का उसका एडमिनिस्ट्रेशन का तो यानी अब अगर कभी आप पेपर टू में जो आपका health, आपका हेल्थ पेपर में एक यूनिट है हेल्थ एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेस रिलेटिंग इश्यूज है तो यानी अगर हेल्थ इश्यूज पर लिख रहे हैं तो गवर्नमेंट मतलब जो Uh, क्या है शहरों में जो हेल्थ सिस्टम है अगर उस पर आप कोई नेगेटिव या पॉजिटिव लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए द वार्ड काउंसलर्स यानी कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल है ये ड्यूटी किसकी है कौन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वार्ड काउंसलर्स की ये छोटी छोटी बातें पता होती है तो आंसर में क्या होता है ना बड़ा मजा आता है यानी एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर रहता है दे आर इलेक्टेड बाई द पीपुल लिविंग इन दैट वार्ड एरिया आर इलेक्टेड बाई द पीपुल इन यानी जो वार्ड एरिया में रहने वाले लोग हैं वही इनको इलेक्ट करते हैं ग्रुप ऑफ काउंसिलर्स यानी इनका एक पूरा एक ग्रुप भी होता है मेक डिसीजन ऑन पॉलिसी मेकिंग यानी कि देखिए किसका वार्ड काउंसिलर और फिर इसके बाद इनका पूरा जो हर वार्ड के काउंसिलर जब मिलते हैं ग्रुप ऑफ काउंसिलर्स मेक अ डिसीजन ऑन पॉलिसी मेकिंग अब देखिए अर्बन सिस्टम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन यानी अब आप जब अर्बन सिस्टम में रिफॉर्म पर कुछ भी लिखेंगे और क्योंकि यूनिट है जिनका ज्योग्राफी अर्बनाइजेशन यानी ज्योग्राफी में पूरा का पूरा एक शहरी भूगोल अर्बन ज्योग्राफी है तो यानी आप जब भी अर्बन सिस्टम पर लिखेंगे तो आप वार्ड काउंसिलर्स ग्रुप ऑफ काउंसिलर्स इनका रोल आपको एक मतलब आपको एक पंक्ति में लिखना पड़ेगा कमिटीज ऑफ वार्ड काउंसिलर्स लुक आफ्टर अब देखिए इन क्या हुआ वार्ड काउंसिलर्स फिर उसके बाद इनका पूरा ग्रुप और उसके बाद क्या कमिटीज कमेटीज ऑफ वार्ड काउंसिलर्स लुक आफ्टर किस वाटर पे गार्बेज कलेक्शन पे एंड स्ट्रीट लाइटिंग पे शहरों में गार्बेज कितनी बड़ी समस्या है वाटर कितनी बड़ी समस्या है स्ट्रीट लाइटिंग ये सब कौन देखता है तो आप जब भी लिखेंगे अर्बनाइजेशन के कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए तो आप क्या नहीं लिखेंगे वाटर को गार्बेज कलेक्शन को स्ट्रीट लाइटिंग को या किसी भी पॉलिसी को एनालाइज तो करेंगे ना तो आपको पता होना चाहिए कि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है वार्ड काउंसिलर ग्रुप ऑफ काउंसिलर्स कमेटी ऑफ वार्ड काउंसिलर्स और इन सब के वर्क आप देख सकते हैं तब आप क्या करेंगे एक बेहतर आंसर एक एक बेटर आंसर आप फॉर्मेट कर पाएंगे अब इसके बाद क्या ड्यूटीज ऑफ द वार्ड काउंसिलर यानी वार्ड काउंसलर की ड्यूटीज क्या होती है मेक द बजट ये देखिए आप क्या करता है बजट बनाता अब ये प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है ये प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है ये आप ध्यान करेंगे ड्यूटीज ऑफ द वार्ड काउंसिलर अब पूछ लेगा वन ऐसे टू थ्री ए ओनली वन बी टू थ्री सी वन थ्री उसके बाद डी वन टू थ्री अब आप बताओ तो ऑब्वियस है डी वन टू तो ऐसे यानी यूपीएससी यानी हम एनसीईआरटी पढ़े उसी टाइम पर क्वेश्चन प्रीलिम्स के मेंस के फॉर्मेट करते चले काम हो जाएगा वार्ड काउंसिलर्स मेक द बजट दे लुक इनटू द डिमांड्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वार्ड यानी वो देखते हैं कि उनके वार्ड्स में जिससे वो रिलेट करते हैं वहां क्या क्या डिमांड्स है उसके बाद दे असाइन द टास्क ऑफ इंप्लीमेंटेशन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ यानी वो जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसको वर्क भी असाइन करते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है तो आप देखें ड्यूटीज ऑफ द वार्ड काउंसलर्स ये क्वेश्चन प्रेलिम्स में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं क्लियर है तो ये हुआ अब देखिए सेकंड क्या था एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ वार्ड पीपल कैन अप्रोच वार्ड काउंसलर्स रिगार्डिंग देर प्रॉब इन आ वार्ड याद रखेगा मेंबर्स द काउंसलर कमिटीज डिसाइड ऑन वेरियस इश्यूज़ जो कमेटी होती है कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इंप्लीमेंट द इश्यूज़ कोई भी इश्यूज़ होता है कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ उसको हैंडल करते हैं कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड पीपुल वो कई लोगों को अपॉइंट भी करते हैं और वार्ड काउंसलर्स आर इलेक्टेड तो ये जो भी है तो आप देख सकते हैं वार्ड काउंसलर्स हैं क्लियर है काउंसलर हैं हैं कमिश्नर और भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हैं ये सब मिल करके क्या करते हैं रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाते हैं तो एक स्ट्रक्चर में आपको पता हो तो अच्छा होता है म्यूनिसपॉलिटी क्या है भाई अपलेस क्या है सबसे पहले अप्लेस विद ओन लोकल गवर्नमेंट याद रखें यानी ये लोकल गवर्नमेंट होता है क्या सिटी टाउन और अनदर अनदर एरिया एरिया में 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 ये होता है सिटी टाउन या रिलेटेड जिसे हम कहते हैं इसके दो पार्ट हैं म्युनिसपल कारपोरेशन एंड म्युनिसपल काउंसिल दोनों आपको याद रखना है क्यों क्योंकि देखिए जब हम रोल ऑफ द जैसे लोकल गवर्नमेंट पे क्वेश्चन आता है अगर हम वो सब लिखते हैं तो आपको ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए क्योंकि अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था टू 2017 uh, में 2015 जीरो एंड 6 में मतलब रेगुलर क्वेश्चन आया हुए जिसमें दो बार यही क्वेश्चन था कि लोकल गवर्नमेंट जो हमारी है यानी जो हमने डिसेंट्रलाइज किया है पावर्स का तो इसकी दोनों बॉडीज यानी लोकल गवर्नमेंट में अर्बन और रूरल दोनों आ जाएंगी यानी पंचायती राज भी और ये म्यूनिस्पल सिस्टम भी दोनों के बारे में लिखा गया था क्वेश्चन पूछा है कि ये जो है वेल एजुकेटेड एंड मैनर्ड ना होने के कारण ये जो एक पॉलिटिक्स के सेंटर्स बन गए हैं ये इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस नहीं बन पाए तो आपको अगर अब आप इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस नहीं बन पाए हैं कैसे बने ऐसा कुछ आपको अगर लिखना है सोचना उस पर तो आपको ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए क्लियर है तो इसलिए ये एनसीआरटी इंपॉर्टेंस रखती है द म्यूनिस्पल कॉर्पोरेशन द ऑर्गेनाइजेशन यानी एक ऑर्गेनाइजेशन दैट टेक्स केयर ऑफ अ बिग सिटीज इज़ नोन एज मुसिपल कॉर्पोरेशन बिग सिटीज में होती हैं कहां पे बिग सिटीज में टेक केयर ऑफ अच्छे से पता जितने भी बड़े शहर टेक केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट दर्ब कलेक्शन वाटर सप्लाई ईटीसी इन द क्रिएट्स अवेयर अवेयरनेस अबाउट एपिडेमिक्स देखिए आ गया ना कोविड नाइनटीन <laughs> मलेरिया डेंगू एंड कोविड नाइनटीन अब ये भी हम कर सकते हैं ठीक है ना ऐसे ही समझने के लिए तो ये हो गया आप देख सकते हैं अभी आपके लिए क्वेश्चन है राइट डाउन इन अ कमेंट कमेंट बॉक्स में लिखे थिंक ऑफ अ फ्यू बेज इन विच द वर्क ऑफ द म्युनिसिपल कारपोरेशन अफेक्ट आवर डेली लाइफ आप लिख सकते हैं आपका आंसर लिखने का प्रैक्टिस होगा द म्युनिसिपल काउंसिल म्युनिसिपल के बाद आप म्युनिसिपल काउंसिल द एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ ए स्मॉल टाउन इज नोन एज म्युनिसिपल काउंसिल इट सुपरवाइज द डिवीजन ऑफ वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट तो यह सब इजी है आप समझ सकते हैं इट इंक्लूड्स द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर गार्बेज कलेक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड सेनिटेशन ईटीसी ये सब इसके अंतर्गत है म्युनिसिपल काउंसिल के हाउ डस द म्युनिसिपल कारपोरेशन गेट इट्स मनी याद रखें तो जैसे पंचायती राज में ग्राम पंचायत को मिलता था टैक्स अ टैक्स इज अ सम ऑफ मनी दैट पीपुल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स यानी जो टैक्स जो हम जो भी हमें सर्विसेज मिलती है उस पर जो हम पे करते हैं वो उनकी इनकम है ग्रांट्स इसके अलावा क्या है टैक्स के अलावा ग्रांट्स है उन्हें जो मिलता है अनुदान फ्रॉम द गवर्नमेंट याद रखें दूसरी चीज उन्हें गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिलता है और तीसरा क्या मिलता फाइन है फाइन्स उन्हें मिलती हैं यानी किसी भी चीज पर जब वो फाइन लगाते हैं तो ये उनकी इनकम ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है आप इस पर एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं हाउ डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट इट्स मनी वन टू थ्री ऑप्शन वन वन एंड थ्री बी टू एंड थ्री सी वन एंड टू डी वन टू थ्री ये आप ये ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्लास पॉलिटी चैप्टर एट रूरल लाइवलीहुड यानी एक बार रूरल देन अर्बन लाइवलीहुड चैप्टर एट ए ग्लांस क्या क्या है रूरल लाइवलीहुड में डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन विलेज यानी विलेज में अनेकों ढेर प्रकार के अनेकों अलग अलग प्रकार के सोर्सेज हैं किसके लाइवलीहुड के फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज यानी फार्मिंग भी है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है अब देखो आप अगर ये देखे ये, ये क्या होता है ये जब हम स्टार्टिंग इनिशिएट करते हैं ना यूपीएससी की तो यूपीएससी की जब हम स्टार्टिंग करते हैं जब इनिशिएट करते हैं तो हमारे पास ना वकैब बहुत वीक होता है एंसर राइटिंग हमसे क्यों नहीं होती कभी आपने इस चीज पर कभी एक आपने सोचा है कभी इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि हमारे पास वकैब नहीं होती हम एक दो स्टेंजा हमने लिखा उसको लगता है यार अब क्या लिखें इसलिए नहीं कि आपको नॉलेज नहीं नॉलेज है बट आपके पास क्या है ना कि जैसे ना आपके पास कैब नहीं है ये कह दे कितना अच्छा है अब अगर आप ये देखें कि आप रूरल डेवलपमेंट पर कोई भी क्वेश्चन लिखें मान लीजिए रूरल डेवलपमेंट पर या हाँ रूरल डेवलपमेंट फॉर एग्जांपल चलिए मैं ये कर देता हूं एग्जांपल जो क्वेश्चन आया था यूपीएससी ने पूछा है कि स्मार्ट विलेज अगर नहीं होंगे तो स्मार्ट सिटीज भी नहीं होंगे यानी अगर स्मार्ट सिटीज को आपको लाइव रखना है तो आपको स्मार्ट बिलेस बनाने पड़ेगा अब आप मुझे बताएं अगर स्मार्ट बिलेस पर आप लिखना चाहते हैं तो आपके पास कितना बढ़िया लिखा हुआ यानी स्मार्ट बिलेस तो आप लिखेंगे ना स्मार्ट बिलेस कैसे तो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड इन बिलेज देखिए ये आंसर स्टार्ट हो गया यहीं से डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड इन बिलेज वन जैसे फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज तो हमें अगर स्मार्ट विलेज बनाना है तो हमें फार्मिंग सेक्टर पर भी फोकस करना पड़ेगा नॉन फार्मिंग सेक्टर पर भी फोकस करना पड़ेगा तब जाकर के हम जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है उसे हम कंप्लीट कर पाएंगे अगर रूरल एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट रहेगा तो ऑब्वियस है कोई भी अपना घर छोड़ के माइग्रेट नहीं करेगा तो स्मार्ट विलेज तो आपको ये देखिए ये टर्मिनोलॉजी फार्मिंग नॉन फार्मिंग क्लियर है तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है फिर क्या कह रहा है एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया ठीक है ये सब क्या है देख सकते हैं एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया ये हम देखेंगे माइग्रेशन देखेंगे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द माइग्रेशन ये तो यूपीएससी ने कितनी बार पूछा आप चेक करिए जीएस पेपर वन में माइग्रेशन और फिर इसके बाद है टेरेस फार्मिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है ठीक है तो ये आप देखें ये ये सारी चीजें पढ़े कितना बढ़िया है अब आपसे कोई पूछे यहीं पे कि गवर्नमेंट एक बार फिर से कि रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई प्लान बताइए अगर आपसे कोई पूछे प्लीज डिस्कस अ प्लान रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई भी कोई भी प्लान डिस्कस करना आप देखें तो आप क्या बोलेंगे यही बोलेंगे ना कि भाई एक रूरल एरिया में डिफरेंट सोर्सेज आप लाइवलीहुड है यानी विलेज में फार्मिंग है नॉन फार्मिंग है एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं फार्मर्स हैं तो इन सबको ध्यान में रख कर के हमें प्लान करना होगा क्लियर है और ऐसे करना होगा जिससे माइग्रेशन को कहीं ना कहीं हम रोक सकें, और टेरेस फार्मिंग वगैरह इसमें एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है तो आप देख तो डिफरेंस सोर्सेस ऑफ लाइवलीहुड इन विलेज पता होना चाहिए स्मार्ट विलेज बनाना है तो आपको पता होना चाहिए पीपुल इन बिलेज आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट प्रोफेशन सच एस ब्लैक स्मिथ टीचर्स वाचरमैन विबर्स बार्बर्स मैकेनिक्स शॉपकीपर्स एंड ट्रेड ये देखें आप यानी ये है ये इनके प्रोफेशनस हैं तो आप देखिए अगर इन सबको जैसे मैंने कहा था ना पूरा पी यू आर एफ प्रोवाइड अर्बन इम्युनिटीज इन रूरल एरिया एपीजे अब्दुल कलाम सर का यह कॉन्सेप्ट था ठीक है ना तो पूरा पूरा अगर हमें करना कितना फायदा अगर पूरा का मतलब क्या था कि हम 25 टू 40 टू 50 गांव का विलेजेस का एक क्लस्टर बना दे और वहां पर सारी अर्बन यानी हेल्थ यानी एजुकेशन यानी बैंकिंग ये सब अगर वहां पर हम डेवलप कर दें तो क्या होगा कि लोग वहीं रहेंगे शहरों में नहीं आएंगे यानी जिन कारणों से लोग शहर में आते हैं जिन रीजन से लोग शहर में आते हैं अगर उन रीजन्स को क्या करें या जो आप ये कह सकते हैं कि जो भी बेनिफिट उन्हें शहरों में दिखाई देता अगर वो सब कुछ हम रूरल क्लस्टर में ही क्या करें डेवलप कर दें तो माइग्रेशन नहीं होगा और उनकी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी और शहरों में स्लम वगैरह की समस्या भी नहीं होगी और जो लोग गांव से आते हैं स्लम वगैरह में मैक्सिमम रहते हैं अगर वो अकुशल हैं यानी कि अगर वो अनस्किल्ड है उनके पास स्किल नहीं है तो ऐसे में इन सभी समस्याओं का समाधान होगा तो आप देख सकते हैं पूरा को करने के लिए आपको ये सब नाम पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रोफेशन होते हैं उन प्रोफेशन के लिए क्या पॉलिसीज होनी चाहिए ये फार्मिंग एंड कलेक्शन ऑफ महुआ महुआ एक प्रकार से ना एक, 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 एक ट्री होता है उसका उसका जो फ्रूट है उसे बोलते हैं महुआ महुआ तेंदू लिप्स हनी इटीसी फ्रॉम द फॉरेस्ट आर द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड तो ये देख सकते हैं एग्रीकल्चर और ये सारी चीजें डिफरेंट सोर्सेस आप क्या है पीपल अर्न देअ क्या है यानी फिशिंग से भी यानी वो सी में फिशिंग करते हैं ठीक है ना पोर्ट्स में भी करते हैं यानी फिशिंग से उनकी इनकम होती है बोट्स पे फिशिंग करते हैं ठीक है ना तो ये सारी यानी उनको फिशिंग से भी होती है इसके अलावा फिर वो आते हैं और इसको मार्केट में सेल करते हैं ठीक है ना फिर इसके बाद जो सम पीपुल्स होते हैं किस पे फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं एनिमल हस्बेंड्री भी उनका एक प्रोफेशन है डेयरी जो है प्रोडक्ट है ये सारी चीजें उनके ये सब चीजें देखिए कितना बड़ा ये सारे पॉइंट आउट आप क्या करिएगा जब नोट्स बनाइएगा सारे पॉइंट आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से बिलजमिल लाइवलीहुड के सोर्सेस हैं

फार्मिंग एक्टिविटीज में रहते हैं वो क्या करते हैं प्रिपेयरिंग द लैंड शोइंग वीडिंग हार्वेस्टिंग यानी ये सब तो आप सबको पता है की आवश्यकता नहीं है नॉन फार्म प्रोफेशन वो क्या करते हैं बैक स्मिथ्स होते हैं टीचर्स होते हैं वॉशरमैन होते हैं वेबर्स होते हैं बार्बर्स होते हैं मैकेनिक्स होते हैं शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स अब आप देखिए अब आपको अगर रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए क्या करना है तो आप बताएंगे ना कि रूरल डेवलपमेंट के लिए फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा उसे आगे ले जाना पड़ेगा और उसके बाद फार्मिंग में ये और इन फार्मिंग एक्टिविटीज में ये लोग शामिल हैं अब इनके लिए आप पॉलिसी जैसा भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो आप कर सकते हैं फिर देखिए एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया क्या है एग्रीकल्चरल कल्चरल लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया इन इंडिया अरली टू आउट ऑफ एवरी फाइव रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबर फैमिलीज यानी फाइव में से कितना टू ये कौन से है एग्रीकल्चरल यानी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी कितनी ज्यादा है आप देख सकते हैं द मेबर ऑफ दीज फैमिलीज यूजली वर्क ऑन अदर पीपुल्स फील्ड टू एर्न आर लिविंग इन इंडिया एट्टी परसेंट ऑफ फार्मर बिलोंग्स टू दिस ग्रुप ओनली ट्वेंटी आप देखें एट्टी परसेंट किसान जो मैंने फार्मर्स बताया वो छोटे किसान है 20%, तो ये आप यहां से देख सकते हैं माइग्रेशन माइग्रेशन क्या यानी कि <coughs> हिंदी में बोलते हैं इसे प्रवासन यानी एक आपका जो जहां पे आप रहने वाले हैं वहां से आप कहीं बाहर किसी एक डेस्टिनेशन पर जाएं जहां आपको लगे कि आपको अच्छा वर्क मिलेगा आपका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा द मूवमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू एनअर ये है माइग्रेशन जनरली फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज टू फाइंड लाइवलीहुड ये देखिए माइग्रेशन क्यों होता है तो इसके लिए होता है फाइंड लाइवलीहुड इसका मतलब है माइग्रेशन को रोकना है माइग्रेशन को रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा लाइवलीहुड को स्ट्रांग मतलब तो करना पड़ेगा और वो कैसे होगा फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज दोनों को हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा उसके लिए पॉलिसी लानी पड़ेगी अब आप देखिए तो ये सिंपल है अब माइग्रेशन की डेफिनेशन भी हमें यही मिल गई अब आप देखिए सिक्स क्लास की एनसीआर में हमें माइग्रेशन की डेफिनेशन भी मिल गई ठीक है फिर इसके बाद क्या टेरेस फार्मिंग दिस इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच द लैंड ऑन अ हिल स्लोप इज मेड इनटू फ्लैट प्लॉट एंड आउट इन स्टेप ये होता है देखिए यानी क्या होता है फील्ड विच इज सुटेबल फॉर राइस कल्टिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट देखिए और क्या इसमें इंपॉर्टेंट होता वो मैटर नहीं करता यानी कि टेरेस फार्मिंग जो है अगर आपसे पूछ ले कभी प्रीलिम्स में टेरेस फार्मिंग में कौन सी क्रॉप मतलब जो है आ, की जाती है या किसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है देखिए राइस राइस का तो टेरेस फार्मिंग ये देखें आप कैसे की जाती है तो यहां से आप देख सकते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट कैन डू द डू टू हेल्प फार्मर्स व्हेन दे गेट इनटू टू डिस्कस यानी अगर फार्मर डेप्ट में चले जाए तो गवर्नमेंट उनकी हेल्प कैसे करे अब सोचिए छोटे छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में अगर हम आंसर राइटिंग जैसे अभी आप जबकि आपकी प्रेपरेशन हो जाएगी तो आपको सबसे ज्यादा समस्या दिखाई देगी आंसर राइटिंग यार मुझसे तो आंसर राइटिंग होता नहीं बोथ सी एंड ही सबके लिए है ये अब आप देखिए आंसर राइटिंग तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस इससे बेटर वेस क्या हो सकता है कि हम सिक्स क्लास के एनसीआर के जो क्वेश्चन है उनको एकदम इजी वे में क्या करें प्रैक्टिस करें व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट कैन डू टू हेल्प फार्मर्स वेन दे गेट इन टू डिस्कस द गवर्नमेंट कैन हेल्प इन द फॉलोइंग वेस द फर्स्ट वन इज द कल्टिवेशन कैन बी इंश्योर्ड इंश्योर्ड यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फ्री फार्मिंग स्कूल्स बनाए सब्सिडी ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स तो ये तो पता है आपको सब्सिडी मिलती है फर्टिलाइजर्स लो इंटरेस्ट लोन्स, ये देखें आप अब आप देखो आप प्लीज चेक करिएगा मेरे पास अंसॉल्ट अभी यहां नहीं है घर मेरे दूसरे कमरे में है मैं अभी आ, जो इकोनॉमिक्स है इकोनॉमिक्स यानी जनरल स्टडीज पेपर थ्री आपका जो है इसमें आप देखोगे यूनिट फाइव इकोनॉमिक्स का यूनिट फाइव उसमें यही है कि एग्रीकल्चर मतलब जो एग्रीकल्चर है उसको गवर्नमेंट क्या क्या सपोर्ट करती है जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो और हेल्प मिलती है वो सारा कुछ है तो आप देखेंगे सीधा यानी वहां एग्रीकल्चर से गवर्नमेंट कैसे जो किसान है उनकी मदद कर सकती है याद रखिएगा जो डेप्ट में चले गए हैं तो देखिए कितना बढ़िया उनके कल्टीवेशन को इंश्योर करें फ्री फार्मिंग स्कूल्स बनाए कितना बढ़िया चार पॉइंट आपको आपको पता नहीं चलेगा और आप एक चीज और समझिएगा जो भी अभी न्यू कमर्स होंगे जो टू जीरो टू वन और टू टू जीरो टू टू पे अटेम्प्ट करेंगे तो आप लोग प्लीज ये याद रखिएगा कि यूपीएससी में जो फिफ्टी परसेंट मार्क्स पाते हैं और इनफैक्ट उसमें इंटरव्यू जोड़ लो एक दो एक्सेप्शन को छोड़ के वो अंडर हंड्रेड होते फिफ्टी परसेंट वाले बट हमें क्या लगता है कि जब हम कोई चीज करें तो ऐसा हो जाए कि बिल्कुल अब उससे अच्छा कुछ रह ही ना जाए ऐसा लाइफ में कभी नहीं होता कभी भी ऐसा कुछ नहीं आता कि एकदम एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता 50 परसेंट के लिए ट्रस्ट करिएगा ये फोर पॉइंट और एक एग्जाम्पल वो मोर देन सफिशियंट होता है बट आप ट्वेंटी क्वेश्चन में यह कर पाने की आपकी मतलब कैपेसिटी डेवलप हो जाए बस कुछ अप्रोप्रिएट नहीं होता मैं बार बार कह रहा हूं ये एनसीआरटियां बहुत बेस होती हैं फैक्ट पर जाने की बजाय यूपीएससी फैक्ट का एग्जाम नहीं है यूपीएससी में भी आप चाहे हिस्ट्री देखो चाहे आप पॉलिटी देखो आप इकोनॉमी देखो वो कहीं कही ना कहीं अगर फैक्ट भी है ना तो वो फैक्ट अगर आपको अच्छे से नहीं पता पता तो आप उस के उस के थ्रू फैक्ट को आप ड्राइव कर ले जाएंगे तो ये एग्जाम अलग है अब आप देखो यहां से हमारी प्रैक्टिस होगी हमको ठीक ठीक नंबर इसमें मिल जाएगा अब लास्ट चैप्टर है एनसीआरटी क्लास सिक्स पॉलिटी चैप्टर नाइन अर्बन लाइवलीहुड क्या है अर्बन लाइवलीहुड डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइवलीवुड लाइवलीहुड इन सिटीज सिटीज में क्या क्या होता है मार्केट है भाई बिजनेस पर्सन है फैक्ट्री एरिया है मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं सब कुछ है आपको बेंडर्स है गवर्नमेंट मेजर्स अर्बन लाइफ इज डिफरेंट फ्राम रूरल लाइफ तो यह आपको पता है इसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं मार्केट एंड शोरूम्स होते हैं यह भी आपको बताने की आवश्यकता नहीं सब कुछ होता है ठीक है ना मार्केट इन दिटीज आर क्राउडेड अब ये सब आप पढ़ सकते हैं सब कुछ है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मेडिकल क्लिनिक्स बहुत कुछ बहुत कुछ बिजनेस एंड शोरूम सारे आप देख सकते हैं ये सब आपको बताने की आवश्यकता नहीं, यानी ये चीजें हैं यानी कि लाइवलीहुड के जो सोर्सेज हैं शहरों में क्या क्या है ये हमारे आस होते हैं इसलिए ज्यादातर हमें पता होता है बिजनेस पर्सन आर नॉट इंप्लायड बाई एनी वन बट दे इंप्लाई अ नंबर ऑफ वर्कर्स एज सुपरवाइजर्स एंड हेल्पर्स यानी कि यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल बिजनेस पर्सन प्ले करते हैं चूंकि ये ये इंप्लायर होते हैं याद रखेगा यानी इनके यहां इंप्लायमेंट मिलती है लो, लोगों को इनका रोल इसलिए हमें इनको हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए दे गेट असेंस फ्रॉम द म्युनिस्पल कार्पोरेशन टू ओपन शोरूम अब देखिए प्रिलिम्स का क्वेश्चन यूपीएससी के प्रियम्स के क्वेश्चन प्रैक्टिकल होते हैं याद रखिएगा वो एक्ट वगैरह नहीं पूछा प्रिलिम दे गेट अब यही क्वेश्चन है बिजनेस यानी परमिशन कहापोरेशन टू ओपन शोरूम तो ये भी देखें ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें फिर इसके बाद फैक्ट्री एरिया होता है अ फैक्ट्री एरिया कंसिस्ट ऑफ स्मॉल वर्कशॉप एग्जांपल गारमेंट फैक्ट्री पीपल वर्क ऑन सीविंग मशीन एंड स्टिच क्लॉथ इन वन पार्ट ऑफ द फैक्ट्री एंड इन अनदर सेक्शन द स्टिचड क्लॉथ आर स्टार्ट वहां पर स्टिच क्लॉथ रखे जाते हैं तो ये फैक्ट्री एरिया का भी एक एग्जाम्पल है शहरों में मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं यानी कोई भी चीज प्रोडक्ट आ जाता है तो मार्केटिंग मैनेजर क्या करते हैं उसे सेल आउट करने के लिए सारी प्रोसेसिंग करते हैं तो ये सिंपल सी बात है जैसे कॉल सेंटर्स होते हैं ना ये होते हैं मार्केटिंग मैनेजर और वो उनका पूरा काम ठीक है फिर इसके बाद बेंडर्स एंड गवर्नमेंट मेजर्स शॉप ऑन द पेमेंट आर कार्ड बेंडर्स बेंडर्स पता ही आपको कि मतलब जो रोड वगैरह पे लगाए रहते हैं बेंडर्स सेल थिंग प्रिपेयर एट होम लाइक स्नैक्स आर फूड स्ट्रीट बेंडिंग इज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू ट्रैफिक यानी स्ट्रीट बेंडिंग को कहीं ना कहीं ट्रैफिक के लिए थोड़ा दिक्कत वाला माना गया है द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड मेजर्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बेंडर्स यानी बेंडर्स को रोकने के लिए मेजर्स भी बनाए गए हॉकिंग जोन्स हैव बीन सजेस्टेड फॉर टाउन्स एंड सिटीज क्या है हॉकिंग जोन्स बनाए जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है वैसे यहां पे क्या हॉकिंग जोन्स है बेंडर्स के लिए जिससे इनका काम भी चलता रहे और जो ट्रैफिक वगैरह है उसको भी कोई नुकसान ना हो तो ये चीजें हैं तो ये पूरा देखिए पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है अब अब हम मंडे को यानी कल मैं कल से मतलब अपनी क्लास इस टाइम पर रेगुलर रहेगी कल मैं किसी नए इशू सू, के साथ आऊंगा बट मेरा कहने का मतलब है कि अब हम एनसीआरटी मैराथन क्लास करेंगे और कल परसों कुछ मोटिवेशनल लेक्चर्स होंगे जिसमें हम स्ट्रेटजी पर बातचीत करेंगे कि हमें कैसे अपनी स्ट्रेटजी को एक न्यू वेल देना है उस पर हम लोग बातचीत करेंगे